जौनपुर में अग्निपथ योजना को लेकर दूसरे दिन भी विरोध, प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में लगाई आग, थानाध्यक्ष की गाड़ी में उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। जौनपुर में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल, अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने मचाया उपद्रव, यात्रियों के वाहनों में की गई तोड़फोड़। अग्निपथ योजना को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, असम राइफल्स में 10% का आरक्षण, उम्र सीमा में 3 साल की छूट। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच यूपी में अलर्ट, गाजियाबाद में पुलिस ने किया पैदल गश्त, हापुड़ में टोल प्लाजा पर भारी सुरक्षा, अमरोहा में प्रशासन ने युवाओं से की बातचीत। यूपी में अग्निपथ योजना, हिंसा मामले में एक्शन, पुलिस ने दर्ज की 6 FIR, अब तक 260 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर हुए प्रदर्शन मामले में एक्शन, पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 75 नामजद और 150 अराजक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज, 8 पुलिसकर्मी एक बस चालक घायल। कुशीनगर में गोमती नगर लखनऊ से छपरा जाने वाली ट्रेन हुई अचानक कैंसिल, पटरौना स्टेशन पर छपरा जाने वाले सैकड़ों यात्री हुए परेशान, लखनऊ से छपरा के बीच पटरौना स्टेशन पर खड़ी है ट्रेन। बुलंदशहर में अग्निपथ स्कीम को लेकर आर्मी भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं का गुस्सा शांत करने में जुटा पुलिस प्रशासन, डीएम और एसएसपी ने शहर के टाडा स्टेडियम और यमुनापुरम स्टेडियम में युवाओं से वार्ता कर गुस्सा शांत करने का किया प्रयास। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश के कई जिलों में बवाल के मद्देनजर औरैया में एसपी अभिषेक वर्मा ने ही खुद संभाली कमान, दिव्यापुर रेलवे स्टेशन पर लिया जायजा, रेलवे स्टेशनों पर भारी पुलिस बल तैनात। अमरोहा में अग्निपथ योजना के युवाओं की तरफ से भारी विरोध को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिले में पुलिस फोर्स अर्धसैनिक बलों को किया गया अलर्ट, जिले के रेलवे स्टेशन नेशनल हाईवे पर विशेष चौकसी। हापुड़ में अग्निपथ योजना के विरोध के चलते टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात, टोल प्लाजा पर प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मैसेज। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे प्रदर्शन को लेकर गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, मोदी नगर रेलवे स्टेशन के बनाए गए सुरक्षा, एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अलीगढ़ पुलिस ने जारी किए फोटो, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जारी की फोटो, शुक्रवार को अलीगढ़ के टप्पल में हुआ था प्रदर्शन, उपद्रवियों की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए हाथरस में प्रशासन सतर्क, युवाओं से सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील, रेलवे बस स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कई राज्यों में युवाओं का हिंसक प्रदर्शन, कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी से 340 ट्रेनें प्रभावित, 140 पैसेंजर ट्रेन रद्द। आज कई संगठनों के बिहार बंद के चलते कई जिलों में इंटरनेट बंद, 9 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी इंटरनेट सेवा रोकी। पुलिस ने बलिया में प्रदर्शन मामले में की गिरफ्तारी, पुलिस ने 100 उपद्रवियों को किया अरेस्ट, प्रदर्शन में दौरान जो है ट्रेन में लगाई गई थी इनके द्वारा आग। कानपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की साजिश का खुलासा, विरोध की आड़ में की जा रही थी हिंसा की साजिश, हिंसा की साजिश को लेकर कई चैट वायरल। मथुरा में थाना हाईवे प्रभारी अजय कौशल ने खुद और यात्रियों के उपद्रवियों से बचाई जान, उपद्रवियों को फायरिंग कर खदेड़ा, ट्रक के नीचे जान बचाने के लिए छिपे थे यात्री। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को करना पड़ा काफी मुश्किलों का सामना, अग्निपथ योजना के विरोध की वजह से 52 ट्रेनों को किया गया निरस्त, कई ट्रेनें लेट, घंटों यात्रियों को करना पड़ा इंतजार। बवाल के बाद एक्शन में प्रशासन, वाराणसी रोडवेज बस ने सिगरा थाने और जैतपुरा थाने में दर्ज करा मुकदमा, करीब 15 से अधिक बसों में उपद्रवियों ने की थी तोड़। वाराणसी में हंगामे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, चौधरी चरण सिंह अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर हुआ था हंगामा, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे उपद्रवी, युवकों ने रोडवेज बसों में की जमकर तोड़फोड़। कानपुर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस सतर्क, रेलवे स्टेशन पर पुलिस रही मुस्तैद, सभी प्लेटफॉर्मों पर जवानों ने किया गश्त। देशभर में अग्निपथ योजना का विरोध को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, का विपक्ष की सोची समझी साजिश, युवकों को ढाल बनाकर कराई हिंसा, ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। हरदोई में लालजी प्रसाद निर्मल ने की युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील, का हर युवक देश की सुरक्षा में दे योगदान। कानपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की साजिश का खुलासा, विरोध की आड़ में की जा रही थी हिंसा की साजिश, हिंसा की साजिश को लेकर कई चैट वायरल। मथुरा में थाना हाईवे प्रभारी अजय कौशल ने खुद और यात्रियों को उपद्रवियों से बचाई जान।
प्रयागराज अटारा हिंसा मामले मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी परवीन का सनसनी केस खुलासा। जावेद के ध्वस्त घर को दोबारा बनाने के लिए जुटाया जा रहा चंदा। जावेद के करीबी दोबारा घर बनाने के लिए जुटा रहे हैं चंदा। जावेद की पत्नी ने चंदा जुटाए जाने वाले अभियान पर जताई आपत्ति। 12 जून को पीटी ने जावेद के अवैध निर्माण को किया था ध्वस्त। प्रयागराज अटाला हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। गिरफ्तार मस्जिद के इमाम अली अहमद से होगी पूछताछ। इमाम अली अहमद से दोबारा पूछताछ कर सकती है पुलिस। पूछताछ के लिए रिमांड लेने की तैयारी में जुटी पुलिस। इमाम से पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी देगी पुलिस। इमाम में हिंसा भड़काने और फंडिंग को लेकर सवाल जवाब करती नजर आएगी पुलिस। प्रयागराज अटाला हिंसा मामले में एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एसपी नेता फजल खान के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी। 3 और आरोपियों के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी। 5 आरोपियों को हिंसा के महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही। आज जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 2 बजे 10वीं और शाम 4 बजे 12वीं का आएगा परीक्षा परिणाम। और आइए बीच सड़क बदमाशों की पिटाई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। मोबाइल दुकान में लूट के बाद भाग रहे थे बदमाश। रायबरेली में प्रेमी जोड़े की पेड़ से बांध कर पिटाई। ग्रामीणों ने दी तालेबानी सजा। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मसूरी थाना क्षेत्र की घटना। रुद्रप्रयाग में मयाली मोटर मार्ग पर पयंताल में कार हुए क्षतिग्रस्त। वाहन में सवार थे 5 लोग। 1 की मौके पर मौत। 4 घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही। शमशान घाट हुए जर्जर। कभी भी हो सकते हैं बड़ा हादसा। तेज बारिश से नहीं हो पा रहा मृतकों का अंतिम संस्कार। गोरखपुर में दबंगों ने लाठी डंडों से पेट्रोल पंप कर्मियों को पीटा। मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। गाजीपुर में स्कूल आने वाले बच्चों का बीएसए ने किया तिलक लगाकर स्वागत। बच्चों को कराया गया योग। अभिभावकों से ज्यादा बच्चों का नामांकन करवाने की अपील। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। लखनऊ में बूथ सशक्तिकरण को लेकर हुई बैठक। सभी सांसदों और विधायकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने अपनी मां को दी 100वें जन्मदिन की बधाई। गांधीनगर में अपने भाई के घर जाकर किया हीराबाग का आशीर्वाद लिया। आज गुजरात को देंगे हजारों करोड़ों की योजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर घर पहुंचकर लिया उनका आशीर्वाद। आज आजमगढ़ जाएंगे आजम खान। इसके प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। धर्मेंद्र यादव का पक्ष में मांगेंगे वोट। गोपालपुर और मुबारकपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। रामपुर में एसपी नेता आजम खान का सरकार पर बड़ा हमला। बेरोजगारी रोजगार के मुद्दे पर साधा जमकर निशाना। बदायूं में पति ने चाकू से किया पत्नी पर हमला। पत्नी की हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। उजानी कोतवाली के कुआ डांडा गांव का मामला। रायबरेली में रोडवेज बस के कंडक्टर से मारपीट और लूट। कैश से भरा बैग लेकर भागे 3 बदमाश। यात्रियों की मदद से पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा। 2 और की तलाश जारी। कासगंज में जेल में बंद गर्भवती महिला बंदी ने दिया बच्चे को जन्म। जच्चा बच्चा की हालत स्थिर। मर्डर केस में आरोपी महिला। जेल मंत्री ने सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देश। आज जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 2 बजे 10वीं शाम 4 बजे 12वीं के आएंगे रिजल्ट। असम में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। कई निचले इलाकों में पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आए। धुबरी इलाके में डूबा रेलवे ट्रैक। असम के कामरूप में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई जगह गिरे पेड़। निचले इलाकों में पानी का कब्जा। पूर्वोत्तर में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जोरदार बारिश के बाद हालात बिगड़े। सड़कों पर 2 फीट तक भरा पानी। रामबन में चट्टान खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप। रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतार। यात्रियों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश। जयपुर अलवर और भरतपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में लगातार 3रे दिन बारिश। नोएडा में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी की मार से मिली निजात। आगरा में भारी बारिश के दौरान बड़ा हादसा। अपार्टमेंट में लगी कैरिज लिफ्ट हुई धराशाही। लिफ्ट गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त। शमशाबाद रोड का बताया जा रहा मामला। आगरा में मौसम का बिगड़ा मिजाज। तेज तूफान के साथ बारिश। दिन में ही छाए अंधेरे की वजह से यातायात अस्त व्यस्त। तूफान से भारी नुकसान की आशंका।
आगरा में कुछ ही देर में की बारिश की वजह से कई जगह सड़कें हुई लबालब। कई क्षेत्रों में नालों के ऊपर उफनते हुए पानी ने नगर निगम की खोली पोल। महाराष्ट्र में फिर तेजी से पैर पसारा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 4,165 मरीज मिले, 3 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी तेजी। 24 घंटे में आए 1797 नए केस, कोरोना से एक की मौत। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 95 नए केस, 429 मरीजों की संख्या। गाजियाबाद में कोरोना के 228 मरीज। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। आखिरी दिन सदन में गूंजे कई मुद्दे, विपक्ष का हल्ला। अग्निपथ योजना पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी बोली युवाओं को मिला मौका, विपक्ष का पलटवार। नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ। आलवानी में हुई लाठीचार्ज को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। कहा मामले का लिया जा रहा संज्ञान, हर परिस्थितियों की जांच की जा रही। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में उनका सवाल न लिए जाने पर सदन का किया बहिष्कार। कहा मामले को लेकर कोर्ट में करेंगे शिकायत। नैनीताल में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के 80वें जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 80 किलो का लड्डू बांटा। धूमधाम से मनाया पूर्व सीएम का जन्मदिन। नए मिशन पर सिक्स सिग्मा मेडिकल टीम। केदारनाथ धाम में 16,108 तीर्थ यात्रियों का किया इलाज, अब अमरनाथ में देंगे सेवा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर दिव्यांगजनों ने चलाया सफाई अभियान। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ लेते हुए किया जागरूक। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा होने से टला। यमुनोत्री हाईवे में यात्रियों से भरा टेम्पो हादसे के शिकार से बार बार बचा। ड्राइवर की सूझबूझ से बची 14 यात्रियों की जान। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की धनगढ़ी रेंज में ड्यूटी करके वापस आ रहे कर्मचारी पर बाघ ने किया हमला। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। देहरादून में साइबर क्राइम करने वाले ठगों को पुलिस का नहीं है खौफ। डीजीपी अशोक कुमार की फोटो लगाकर कर रहे लोगों से ठगी। डीजीपी ने जनता से बचने की अपील। अल्मोड़ा में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तहसील द्वारा हाट का किया निरीक्षण। तहसील में होने वाले सभी कार्यों का लिया जायजा। मसूरी में भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। यातायात व्यवस्था ठीक नहीं होने से करना पड़ रहा जाम का सामना। पर्यटकों को हो रही खासी परेशानी। शाजापुर में अंतर्राज्यीय नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 करोड़ की अफीम की बरामद। तस्कर नेपाल झारखंड से तस्करी कर कई राज्यों में करते थे सप्लाई। सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चले लाठीडंडे, जमकर हुई मारपीट। वीडियो हो रहा वायरल। बस्ती में घुसखोरों का अड्डा बने। हरैया तहसील का लेखपाल चढ़ा एंटी करप्शन के हत्थे। ई करप्शन की टीम ने रंगे हाथों घूसते थे क्या गिरफ्तार। आए दिन लेखपाल पर लग रहा था घुसखोरी का आरोप। शाजापुर में एक सिरफिरे युवक ने मां बेटी पर किया जानलेवा हमला। मां की गोली लगने से हुई मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। कुरान की तालीम देने आता था आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस। ऊना में डीसीएम ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार दो महिलाओं की मौत, मां की बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। थाना क्षेत्र के चंद्रिका बक्स खेड़ा के पास की घटना। प्रतापगढ़ में बेखौफ पदमाशों ने युवक को मारी गोली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। विकास नगर में 3 दिन पहले नहर में डूबे बच्चे का शव। ढलीपुर पावर हाउस से बरामद। नहर में नहाते वक्त तेज लहरों में बह गया था हाथी। उन्नाव में ननिहाल में मां से घूमने आई 4 साल की मासूम बच्ची तालाब में डूबी। आनंद फानंद में परिजन लेकर पहुंचे सीएससी, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लटका मिला महिला का शव। हत्या कर लटकाए जाने की आशंका। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में 11 महीने पहले दफ्न किए गए शव को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया। मृतक की मां ने न्यायालय में लगाई थी गुहार। मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर किया केस दर्ज। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शराब के ठेके के पास मिला शव। मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। शाजापुर में पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर लुटेरे गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। हरदोई में चोरों के हौसले बुलंद। प्राइमरी स्कूल को बनाया निशाना। चोरों की खिड़की की सरिया काट कर स्कूल में रखा सारा सामान किया चोरी। लगभग 1 लाख का सामान चोरी। नोएडा के सेक्टर 7 में लगी भीषण आग। फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल पर लगी आग। मौके पर 6 से 17 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश जारी। आगरा के फतेहाबाद रोड के पास बोगी में लगी आग। आग लगने से हड़कंप। पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
महोबा के सुगीरा गांव में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल।